आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है, मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि जैसे अपन लोग हर कोई अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं मोबाइल का बैक कवर, और बहुत सारे लोग अपने मोबाइल का जो बैक पैनल होता है उसको सेफ करने के लिए उस पर कोई ना कोई स्टीकर लगवा देते हैं, तो कोई ना कोई गार्ड लगवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपनी के द्वारा नहीं होता, मतलब कि मैनुअली या मार्केट से लगा लेते हैं कोई स्टीकर वगैरह। और ऐसे बहुत सारे लोग बहुत हैवी कवर भी लगाने की कोशिश करते हैं। इनके कुछ बेनिफिट तो होते हैं ऐसे कवर से कि कभी फ़ोन गिरा या कुछ भी गलती से कभी कभार गिर जाता है तो सेफ होने की संभावना रहती है। तो इसमें मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही आप लोगों को ध्यान देने वाली है। ये मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S6 एज फ़ोन है, और इस पर ये मेरे फ्रेंड का है, इसमें कुछ प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ रही थी। तो उसने मैं चेक किया उनका फ़ोन में, तो मुझे लगा कि चलिए एक बार अपन लोग इसका कुछ रिसर्च करते हैं और लोगों को भी इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि इस पर मैंने कुछ चीज़ें डिफरेंट देखी। बाकी इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फ़ोन आज तक इनका खुला हुआ नहीं है। फ्रंट में एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है और एक बैक में भी इन्होंने गार्ड लगवाया हुआ था, जिसकी वजह से होना। लेकिन इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हो गई कि इस फ़ोन पे नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो हो गई, और इस पर मतलब कि भी आप लोग भी देख सकते हैं एयरटेल की सिम लगी हुई है बट इसमें नेटवर्क नहीं है। और सर्च करने के बाद भी हम लोग देखते हैं तो मतलब कि नेटवर्क नहीं पाता, नेटवर्क किसी भी तरीके से फाइंड ही नहीं करता है। मतलब मैनुअली मैं जाके नेटवर्क ऑपरेटर पे सर्च नेटवर्क पे करता हूँ, तो मतलब सर्च करेगा भी तो सेलेक्ट नहीं करेगा, कभी सर्च भी नहीं कर पाता है। और फिर जब घर के बाहर जाते हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे नेटवर्क तेज होता है वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे नेटवर्क को पकड़ लेता है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पकड़ता, मतलब वीक भी है स्लो भी है। तो ऐसी जैसे भी ये देखिए सर्च करने पर आ गया है, एयरटेल सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैं आप लोगों को इसका टेस्ट करवाऊंगा अंदर बाहर, और इसका बैक कवर वाला स्टिकर भी निकाल के। तो आप लोग भी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल में कभी भी स्टिकर लगवाने के पहले आप लोग किन किन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, कि कभी कोई स्टिकर लगवाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को उसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अभी रजिस्टिंग हो रहा है, देख सकते हैं, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है। ये सिंगल सिम का फ़ोन होता है, और ये पहले करीब 3-4 साल पहले अनेबल टू कनेक्ट ट्राई अगेन लेटर बोल रहा है। अब चलिए इस पर क्या करते हैं, मैं इसका सबसे पहले नंबर जो है कवर निकाल के हम लोगों ने ट्राई किया था, मैं इसका स्टिकर निकालने वाला हूँ, और स्टिकर काफ़ी हैवी और मोटा लगा हुआ है, इसको निकाल के ट्राई मारते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और ये इसकी स्टिकर की वजह से या लेमिनेशन की वजह से कभी भी अगर आप किसी भी फ़ोन में करवाएंगे तो कुछ फ़ायदे जो होते हैं आप लोग गिन के ये करते हैं और करवाते हैं, तो इसके हमें साइड इफेक्ट भी जानने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी होता है। जैसे कि इसका फायदा सबसे बड़ा तो यही था एक, तो कि जैसे ग्लास टूटा हुआ है और आप लोग इस पर अगर लेमिनेशन कर देते हो, ऐसा कलरफुल कुछ लगा देते हैं तो वो आपको दिखता भी नहीं है, कोई चीज़ टूटी हुई ग्लास टूटा हुआ ही दिखेगा, और आपको लगेगा कि आपका फ़ोन, कोई देखेगा तो लगेगा कि फ़ोन आपका न्यू है। पहला फ़ायदा तो यही होता है, और दूसरा फायदा ये होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस पे फ़ोन पे कभी स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो देख रहे हैं जो ग्लास टूटा हुआ है ना, इस ग्लास को टूटने का रीज़न मैं बताऊँगा कि क्या है। बहुत सावधानी पूर्वक इसे निकालना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ये जिनका भी फ़ोन रहा होगा पहले फ़ोन का ग्लास टूटा नहीं रहा होगा, हो सकता है, लेकिन इसका टूटने का कारण मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ग्लास होता है, प्लास्टिक तो है नहीं, ये फ्लेक्सिबल होता नहीं है, और ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया। फ़ोन जब पुराना होता है तो इसकी बैटरी फूलने लगती है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। तो इसकी बैटरी जब फूली है तो बैटरी के फूलने की वजह से जो ग्लास था तो यहाँ से पूरा क्रेक मार दिया है, आप लोग देख सकते हो। और इसी ग्लास पैनल में तो देख सकते हैं टूटी गया है, और बैटरी भी कभी कभी फ़ोन गर्म होने के कारण भी टूटती हैं, फूलती हैं सॉरी। और इसका रीज़न भी फ़ोन का गर्म होना, और थोड़ा सा मेरे हाथ में कांच भी लग गया, कई बार लेमिनेशन होने की वजह से भी फ़ोन गर्म होते हैं, मतलब कि लेमिनेशन वगैरह हो गया, ज़्यादा हैवी स्क्रीन गार्ड वगैरह लग जाता है फिर भी फ़ोन गर्म होने लगते हैं। अभी अपन लोग चेक करते हैं कि इसको उकेलने के बाद में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में पहली बार है, मेरा वीडियो पहली बार देखना, तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। कोशिश करूंगा, काफ़ी दिनों बाद इस टाइम पे वीडियोस आ रहे हैं, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस अपडेट लाने की, कम से कम महीने या 15 दिन में तो एक वीडियोस दे सकूँ, कोई ऐसा कॉन्टेंट या टॉपिक मिल जाए जिसको मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँ। ऐसे कमेंट करके आप लोग बताइएगा मुझे जरूर कि आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया और आप लोगों को कैसे वीडियोस चाहिए कैसे नहीं चाहिए। एक बार फोन को रिबूट कर देता हूँ, और लेकिन रिबूट करने के पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसको मैन्युअली में सेलेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक में, क्योंकि अभी ये पुराना मॉडल है थोड़ा सा, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि इस फोन में भी नेटवर्क आ गया है और 4G भी लिखा हुआ है बकायदे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे अभी, मतलब कि मेरे घर पे थोड़ा सा कई सारी स्टोरीज बनी हुई हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क वीक आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इससे आप लोगों को कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी कि फ़ोन का अगर ये लगवाते हैं तो क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। जैसे कि ये भी पता नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन का बैक कवर फूल रहा है, बैटरी फूल रही है, और साथ में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आप लोगों को। तो इसके लिए हमेशा मैं यही बोलूँगा कि कंपनी की जो चीज़ें होती हैं वही यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक सेफ्टी कवर यूज़ कीजिए। जैसे कि मेरा ये फ़ोन है, मैं भी यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसमें क्या किया, अभी तक मैं इस पर है तो रियलमी का, लेकिन 1.5 साल तो चल गया, अब इसकी बैटरी में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बट बैटरी भी इसकी फूली नहीं है, और इसमें साइड इफेक्ट ऐसा कोई भी फिलहाल नहीं है। लेकिन मैंने इसमें भी जैसे कंपनी का ही स्टिकर लगा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कई बार जैसे ग्लास वगैरह होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क का सेक्शन होता निकाल देते हैं कंपनी वाले कहीं पे कुछ, जो कि अपन लोगों को ऊपर से दिखता नहीं, और अपन लोग इस पर क्या करते हैं कोई भी फिल्म चढ़वा दिए कुछ भी करवा दिए, इसकी वजह से कभी कभी फोन गर्म भी पड़ते हैं, कई सारी प्रॉब्लम भी आ सकती है। और जब कभी कई बार ऐसे होता है कि कई घटिया क्वालिटी के स्ट्रिप्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि फोन ये में जब कभी रिमूव करेंगे दाग लग जाएगा चिपचिपा चिपचिपा, जिसके बाद छुड़ाएंगे तो आपके फोन की बैक कवर और प्लास्टिक ग्लास खराब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।